हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज नई सुबह की नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो यार दोस्तों, इस चैनल से मेरा ये नया ब्लॉग है और मुझे ब्लॉगिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जितना भी है मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। सुबह के बज रहे 7:30 और मौसम की बात की जाए, मौसम काफ़ी साफ है। आज पंचमी भी है और मौसम की जहाँ तक बात की जाए, मौसम काफ़ी साफ है, जैसे कि आप देख सकते हो। साफ है, ठंड बहुत है, मौसम आप देख सकते हो कितना साफ है, धूप खिली है सुबह सुबह, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यार मौसम देखो, पर आज पहाड़ी में जाने वाले हैं। हमने कल ही सोच लिया था कि यार हम वहाँ पे जाएंगे और एक ब्लॉग शूट करेंगे पहाड़ी में। तो आप मेरे पीछे पहाड़ी देख पा रहे होंगे उधर, तो हम जा रहे हैं उधर, तो बने रहे हो यार दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में। फाइनली हम गेट पे पहुँच चुके हैं और चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहो इस मेरे ब्लॉग में। तो देखते हैं ऊपर से व्यू कैसे दिखता है। तो यार दोस्तों, हम आधी चढ़ाई पार कर चुके हैं और यहाँ से ऊपर से जो व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। सुबह अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, तो देखो यार व्यू आप यहाँ का देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नीचे का शानदार। तो बने रहो मेरे इस ब्लॉग में, मैं दिखाते रहूँगा आपको। और मंदिर जाते समय पूरी फीलिंग पहाड़ वाली आ रही है, देखो एकदम सेम पहाड़ की तरह मंदिर है। जैसे हमारे पहाड़ों में होते हैं बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, वैसे यहाँ पे भी है, देख सकते हो आप। बस फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर पे और देख सकते हो मंदिर से आप कुछ व्यू दिखाऊंगा अंदर का मंदिर का, देखो कितना अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मंदिर में पहुंच चुके हैं और हमने दर्शन भी किए, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो पत्थर है, पत्थर के अंदर बना हुआ है मंदिर। तो मंदिर से जो बाहर का व्यू दिखता है मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मंदिर पत्थर के अंदर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों पहाड़ी देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, तो सुनील और हम इस पहाड़ी में चढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहो मेरे इस ब्लॉग में। और पहाड़ी आप देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले हमारा सुनील जा रहे हैं, सबसे पहले चढ़ाई भी उन्होंने ही चढ़ी थी, उसके बाद जगदीश भाई ने, उसके बाद मैंने। और तो देखो कुछ हम आगे को और जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी में, जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है आपको ये पहाड़ी। सुनील बोल रहे कि हम ये पहाड़ी को जाएंगे ऊपर, तो देखते हैं हमें रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है। तो बने रहो यार मेरे इस ब्लॉग में। क्या बोलते हो, रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा हमको ऊपर पहाड़ी जाने का? ओके, तो सुनील जा रहे हैं आगे से, तो सुनील हमको ले चलेंगे। तो फाइनली हम थोड़ा बहुत पहाड़ी के करीब पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है। सुनील रास्ता ढूंढ रहे हैं। और नीचे की व्यू की बात करें, जैसे हम भी पहाड़ी हैं, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो ऊपर पहाड़ से नीचे का व्यू जो रहता है काफ़ी शानदार रहता है, वैसे आप देख सकते हैं नीचे का व्यू भी यहाँ का बहुत शानदार है। अभी धूप थोड़ा बहुत आ रही है सुबह का मौसम है, तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। देख सकते हो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी बेकार और क्या है ऊपर जाने का। और तो सुनील अभी पहाड़ी में चल रहे हैं। सुनील जा पाओगे नहीं जा पाओगे? जगदीश भाई पहाड़ चढ़ रहे हैं और देखो फाइनली हम पहाड़ चढ़ चुके हैं और कितना अच्छा व्यू लग रहा है पहाड़ से, देख सकते हो मेरे पीछे कितना शानदार व्यू लग रहा है। जो व्यू दिखता है चारों ओर का व्यू एकदम साफ दिखता है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। हम कितने दिनों से सोच रहे थे यार क्यों नहीं यहाँ पे जाए, तो आज हमने फाइनली डिसीजन लिया कि यार ब्लॉग भी बनाएंगे आज, और सुबह 7-8 बजे हम आएंगे पहाड़ी और तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो देखिए यार आप बने रहे, जो मंदिर से व्यू दिखता है नीचे का पूना महाराष्ट्र कासपठार का, वो व्यू आप देख सकते हो। अभी कोहरा लगा है, आपको इतना क्लियर भी दिख नहीं रहा होगा, अभी मॉर्निंग टाइम है। तो देखो कितना अच्छा नीचे गांव दिख रहा है और ये व्यू है, ये तालाब दिख रहा है मंदिर से, बहुत हाइट पर है मंदिर, तो देख सकते हो। तो यार गाइस यहाँ का व्यू देखिए, ये पूना सतारे की सबसे बड़ी झील है, देख सकते हो आप सबसे लंबी झील है ये।
और तो देखो यहाँ के गांव भी कितना शानदार लग रहा है सुबह के टाइम पे, देख सकते हो यार आप। पहाड़ी में आने से बहुत अच्छा फील हो रहा है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। हमने तो यार सुबह ही सोचा था कि चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे पहाड़ी, बट चढ़ गए थे बड़ी मुश्किल से। और देखो चारों ओर का व्यू कितना औसम हो रखा है सुबह का। तो यार गाइस थोड़ा आराम करने के बाद अभी थोड़ा बैठे थे हम, ऊपर चढ़ाई चढ़ गए थे यार, सांस फूल गया था ऊपर आते आते। तो क्या होगा कितना शानदार यहाँ से व्यू लगता है नीचे का, चारों ओर का, नीचे जो मैंने डैम दिखाया और इधर का आपको काश पठार का व्यू दिखाया। तो यार जगह की बात करो जगह काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी अगर जो पूना महाराष्ट्र से इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं काश पठार यहाँ पे पहाड़ी पे। तो बने रहो यार गाइस मेरे इस ब्लॉग में। पहाड़ी चढ़े थे उसके बाद मैंने पहाड़ी चढ़ी थी, उसके बाद जगदीश भाई ने पहाड़ी चढ़ी थी। तो देखो यार कितना लगा, 3 घंटा? अच्छा अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है तुम्हारा 8:30। 8:20 आप समझ सकते हो पूरे 3 घंटे लग गए ऊपर चढ़ने। तो गाइस तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हम, तुम भी कुछ कर दिया करो हमारे लिए। जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तुमको सब्सक्राइब नहीं करना है मतलब, तो गाइस प्लीज लाइक और शेयर करो। यार ये देखो भाई आगे से गए जगदीश भाई, अब जा रहे हैं सुनील, अब है मेरी बारी और हम इन पत्थरों के बीच से जाएंगे। तो यार देखो सुनील कैसे जा रहे हैं, अब बारी है मेरी जाने की। तो यार गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आए थे ऊपर पहाड़ी में आज सुबह, और तो अभी आपने देख लिया होगा व्यू यहाँ का। तो यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।